स्टॉक्स जहां पर की एक्शन है एक एक करके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही फेडरल बैंक के नंबर्स आए, 4% की मजबूती स्टॉक में इस वक्त देखने को मिल रही है। मुनाफा देखिए 460 करोड़ से बढ़कर 704 का आया है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही गिरावट इस बार दर्ज हुई है। कैसे लग रहे हैं आप नीलेश, फेडरल बैंक में करीब 4% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है, नतीजों के बाद ये तेजी आई है, क्या लग रहा है आपको, तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? हाँ बिल्कुल पूजा जी, देखिए कोइंसिडेंस है, यही एक काउंटर है जिसे हम रेकमेंड भी करना चाहते थे, उसे आगे कवर जरूर करेंगे। एक काफी शानदार मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नंबर्स काफी अच्छे थे और इस नंबर्स को कहीं ना कहीं इन लाइन विद आर एक्सपेक्टेशन हमें नंबर्स देखने को मिले हैं। हमारी यहाँ पे ऑलरेडी कवरेज है और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर पेन आउट हो रहा है, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो 140 से लेके 145 तक के लेवल नेक्स्ट 2 to 3 months में हमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़े से कंजर्वेटिव अप्रोच के तहत ये टारगेट ध्यान में रख के चलना चाहिए, और अगर एग्रेसिव टारगेट को ध्यान में रखें तो 150 के पार बहुत जल्दी काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है, बाय एंड डिप की रणनीति अपनाएं और करंट लेवल पे भी इसे खरीद के चल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो अभी भी एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है, पिछले कुछ एक मिनटों में काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर कोई गिरावट हो तो ज्यादा बेटर इसके रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है उन्हें तो बने रहने की सलाह होगी, 124-123 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, नीलेश, टारगेट क्या आप रिवाइज करना चाहेंगे फेडरल बैंक का? 135 के टारगेट्स आपने दिए हैं, क्या इसमें कुछ रिवीजन करेंगे? हाँ बिल्कुल पूजा जी, देखिए जब इसे सुझाया था तब लगभग 128 के आसपास ट्रेड हो रहा था, वहां पे 3% का उछाल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो 135 के टारगेट है उसे रिवाइज करने की सलाह होगी, 138 और इनफैक्ट मैं कहूंगा 140 का भी टारगेट को ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें, हो सकता है यहाँ पे 10 से 12 दिनों का समय देना हो, बट 140 के यहाँ पे रिवाइज टारगेट कर लीजिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो लगभग लगभग 125 के आसपास था, अगर आज की क्लोजिंग 131 के ऊपर होती है तो स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करके 127 पर लिया जा सकता है। और करंट लेवल पे मैं कहूंगा इन लेवलों पर भी अभी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। स्टैगर्ड वे में बाइंग करेंगे तो वहां पे थोड़े से बेटर एवरेज होता हुआ नजर आएगा और रिस्क रिवॉर्ड बेटर बनेगा, बट नो डाउट काफी अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये तो रणनीति हो गई फेडरल बैंक ने हमने चर्चा की, एक तेजी देखिए बनते जा रही है, 5% ऊपर इस वक्त स्टॉक आ चुका है। टारगेट भी आप रिवाइज कर लीजिए, अभी जो नीलेश आपको बता रहे थे।